Hey guys, welcome back to another brand new gameplay of Ice Scream 8 The Final Chapter. तो यार इस गेम के 7 चैप्टर्स पहले ही आ चुके हैं और इस बार आया फाइनल चैप्टर। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से एस्केप करने के लिए घुस जाते हैं गेम में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो गाइज म्यूजिक लगा लो लोफ्टी क्योंकि रोड की बनाने वाला हूँ मैं अब सॉफ्टी। ऑलराइट गाइज, तो यहाँ गेम स्टार्ट हो चुकी है और अभी एक लेडी एक पुलिसमैन से बात कर रही है कि उसका बेटा और उसके फ्रेंड्स गायब है। ये लेडी काफी चिंता में है यार और लगातार ये फोन पर रोए जा रही है कि इसका बेटा नहीं मिल रहा है, शायद ये माइक की मम्मी है। ओ माय गॉड, ये आ गया भाई रोड, ये तो गेट पटक रहा है। ओ तेरी, ये रे भाई चारों बच्चे। तो भाई बाहर से रोड जो है गेट पटक रहा है और गेट टूटने वाला है, तो हमें उससे पहले कुछ ना कुछ इलाज ढूंढना होगा यार। लेकिन ये तो एक बंद कमरा है, फाइंड अ वे टू एस्केप। ठीक है भाई, तो हमें इस बंद कमरे से भागने का कोई तरीका ढूंढना है। तो सबसे पहले तो यार मुझे सामने ये क्रोबार मिल गया भाई, सबसे पहले यही दिख रहा था। ठीक है, और ये फ़ोन रखा है और यहाँ से तो कुछ दिख नहीं रहा। अरे एक सेकंड वेट, ये तो नीचे कुछ है यार, एक लीड है यार। लेकिन इससे पहले सोफ़ा हटाना पड़ेगा, तो मैं ये सोफ़ा हटा लेता हूँ। हट बे हट। तो भाई ये लीड ओपन करके देखते हैं, लीड ओपन हो रही है। ओके, तो यार लीड ओपन हो चुकी है और एक कट सीन आ गया है। ओ भाई सही टाइम पे निकल गए, रोड तो अंदर घुस ही गया था। कितनी गंदी हंसी हंस रहा है टूटे सिर का। अभी ये क्या बटन दबा दिया इसने? ये तो भाई सारे दरवाजे खिड़कियां सब बंद हो गई, लगता है इसने कोई हाई सिक्योरिटी चालू कर दी है। ये देखो भाई भागते भागते मोटू तो थक गया। ये चार्ली इसका नाम है, ये चश्मे वाला माइक ही है जो सबसे ज्यादा समझदार है, इसके पास जरूर कोई ना कोई आइडिया होगा यहाँ से भागने का। ये बात तो भाई, इसके पास ये मैप है। ओके, तो ये बता रहा है कि इसमें 3 जनरेटर हैं हम यहाँ पर, अगर उन तीनों जनरेटर्स को बंद कर देंगे तो ये हाई सिक्योरिटी बंद हो जाएगी। ओ वाओ, इसके पास एक वॉकी टॉकी भी है। यार ये बंदा तो वाकई में बहुत तेज है। लेट्स गो। तो भाई अब गेम की शुरुआत होती है यहाँ से और हम वैन में हैं, यहाँ पर एक रोड गन भी है। ठीक है यार, इस रोड गन को लेके चलते हैं बाहर। तो वैन के बाहर भाई ये एक शायद गैराज है और गैराज में ये एक सेकंड, ये गेट है बंद है पर यार ये तो यहाँ से भागने का कोई तो रास्ता होना चाहिए निकलने का। एक सेकंड, ये नीचे है कुछ। तो भाई ये नीचे छोटा सा रास्ता था, मैं यहाँ से एक ओहो कट सीन आ जा रहे हैं। ओ माय गॉड, ये विलन। ओहो अब इसकी आंखें कैसी है, लाल एकदम और हाथ में हैमर। ओ तेरी भाई, ये तो विमल भी खाती है, डांस करती हुई आ रही है। बताओ आजा आजा। अरे अरे, ये तो पीछे भग रही है, आवाज़ आ रही है भाई, इसके भागने की आवाज़ आ रही है। क्रोकोडाइल, अबे क्या क्या है इसमें भाई, इस गेम में तो बहुत कुछ है यार। भाग के चलता हूँ इससे पहले मुझे पकड़ ले वो। ये क्या टांगे हुए पर्दे से, फटे हुए पर्दे, वैसे आवाज़ तो नहीं आ रही, शायद अब पीछे नहीं है वो पीछे रह गई है। यहाँ पर देखते हैं यार इनमें कुछ है तो। ये क्या है, कैबिनेट, कैबिनेट में नहीं। एक सेकेंड, ये एक रास्ता भी है। योर ऑब्जेक्टिव इज़ नॉट दिस वे। तो भाई ये रास्ता तो है पर शायद अभी हमें वहाँ जाना नहीं है। अभी क्या करना, फाइंड द जनरेटर ऑफ लेबोरेटरी। तो भाई लैब में जाना है अभी और लैब का रास्ता इस तरफ दिखा रहा है। ठीक है, तो हमें लैब ढूंढनी है भाई। ये लैब कहाँ पर है, ये क्या है? अच्छा लैब ये दिखा रहा है भाई, किचन और लैब ऊपर है, ऊपर जाना है। अच्छा ये रही भाई स्टेयर्स हैं इधर। ठीक है, तो भाई इससे क्लाइम करके चलते हैं जल्दी से ऊपर और देखते हैं, यहाँ पर खिड़की टूटी हुई है, इसी से अंदर कूद जाते हैं। ये केक सा क्या रखा है सामने, ये क्या है भाई? ओहो ये तो कोई रोबोट है यार, क्रीपी रोबोट सिगार पीता हुआ। ये तो भाई ये कुछ करेगा तो नहीं ना, कोई बात नहीं, अपने मतलब की कुछ चीज़ ढूंढते हैं। हमें सबसे पहले जनरेटर ढूंढना है, तो देखते हैं यहाँ से कहीं से जनरेटर के लिए कुछ हो तो। यहाँ तो नहीं दिख रहा यार, ये क्या है, डिब्बे बिब्बे रखे हैं, फालतू की बोतल वोतल पड़ी है, ये दूध पड़ा है। वो भाई पेंट फेंक रहा है, तो ओह पेंट फेंक रहा है हमारे ऊपर भाई, इसके पेंट से भी बचना पड़ेगा। ओके, तो यार ये बीच में कुछ है तो, लेकिन यहाँ से कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा जाने का। एक गेट है, अब पता नहीं यार उसके पीछे क्या है, चलो देखते हैं, खोल के देखेंगे जब भी पता लगेगा। ओ तेरी, ये तो खोलते रोड मिल गया भाई, भागो भागो भागो। ओबर ओबर नहीं, शिट शिट शिट। अबे ये क्या हुआ, एनिमी फेंटेड। अच्छा ये भाई मिनी रोड से वो रोड को भी चोट लग गई, ये भी सही है यार, हमें भी चोट लगी उसे भी लग गई। तो भाई मेरी गन गिर गई थी, गन उठा के मैं तो भाग लिया हूँ। 60 सेकेंड है अपने पास, फटाफट से चलते हैं यार, ऐसे क्यों लग रहा है मैं गोल गोल घूम रहा हूँ। अभी तो फिर आ गया, एक सेकंड, ये रास्ता कहाँ जा रहा है, इसमें चलो। ये ठीक है भाई, ये ऊपर आ गया भाई मैं तो, इस गेट में ये तो कोई लैब सी लग रही है, शायद यहीं पे होगा जनरेटर हमारा। इसमें
यहाँ तो नहीं है, चलते हैं। एक और गेट दिख रहा है सामने, एक और गेट। कलर पड़े हैं यार जगह जगह, ये क्या है गैप। तो भाई इस गैप में चलते हैं। तो भाई मिल गया, इट इज़ एट अ वर्कशॉप विद अ कंप्यूटर। तो भाई कंप्यूटर के साथ जनरेटर है, ठीक है। हमें सेंट्रल सिस्टम को हैक करना है ताकि उसे डीएक्टिवेट कर सकें। ओके, तो लिज से हमने पूछा है और लिज ने हमें चार्ट दिया है। क्या है? इंग्रेडिएंट ड्रॉइंग्स। तो भाई ये दो इंग्रेडिएंट्स मांगे इसने, एक तो ये विम बार की बोतल है और एक बोतल हो रहा है जिस पर 8 लिखा है। और यार माइक ही तो अभी बिजी लग रहा है, ये तो चश्मा ला के देख रहा है भाई आराम से, लिस्ट को बात ही नहीं कर रहा। तो हम जे से पूछते हैं। ओके, इसमें बोतल का पूछ रहा है डिज़ाइन। तो भाई मैंने इसे, बोतल तो गोली होती है, सिलेंड्रिकल होती है। भाई ढक्कन का पूछा था, वो मैंने बता दिया। और पूछा बोतल के ऊपर क्या लिखा है, तो 8 ऑब्वियसली 8 लिखा था, तो मैंने बता दिया जे को। अब जे ढूंढ लेगा, इतने हम बाकी की चीज़ें ढूंढ लेते हैं। तो भाई ये गन लेके चलते हैं, ये हमारा मैप है, इसी रूम में ढूंढने की स्टार्ट करते हैं पहले, शायद यहीं पे कुछ क्लू मिल जाए। अरे तो जे लेकर भी आ गया यार, जे इतना फास्ट है, बताओ लेकर भी आ गया। तो भाई लिस्ट को हमने दे दिया है और अब चलते हैं बाकी का सामान ढूंढने। तो भाई एक इंग्रेडिएंट मिल गया, दूसरा इंग्रेडिएंट ढूंढना है अभी, डिश वॉशिंग लिक्विड। हाँ वही विम बार है भाई वो, तो ये विम बार ढूंढना है अब, कहाँ मिलेगा। विम बार भी नहीं है बल्कि विम लिक्विड है वो। तो कैसे कैसे गेट है यार, रास्ते समझ में नहीं आ रहा। इसके अंदर हो सकता है पीस बॉक्स। भाई एकदम क्लिक करती चीज़ें नहीं मिल रही इसमें, थोड़ी देर होल्ड करके रखना पड़ता है। इस वाले कितने सारे गेट हैं यार, एक बॉक्स ये रहा, इसमें निकल जा निकल जा निकल जा यार, कहीं रोड ना आ जाए। कुछ तो निकला यार, ये क्या वायर निकली है यार, ये तो यार कोई तारों की पूरा गुच्छा मिल गया है। कुछ ना कुछ तो यूज़ होगा इसका, चल के देखते हैं अंदर पकड़ा के। इसके तो किसी यूज़ का नहीं है यार, इससे पूछ लेते हैं। भाई इसके भी किसी काम का नहीं है। भाई माइक ही तो बिल्कुल सुन ही नहीं रहा अभी, लिस्ट पे पूरा ध्यान है उसका। कोई बात नहीं, हम चल के इतने बाकी कुछ ढूंढते हैं यार। हाँ तो हम क्या ढूंढ रहे थे यार, हम डिश वॉशिंग लिक्विड ढूंढ रहे थे आई थिंक इस वाले कमरे। ओ भाई अभी ये यार, ये छोटू से ना फट जाते हैं, ये छोटे रोबोट तंग करके रख देते हैं यार, रोड ना आ जाए बस। ये मिनी रोड छोड़ रखी है और मुझे ना सही से समझ में भी नहीं आ रहा कौन सा रूम कौन सा है। देर इज़ नथिंग इंटरेस्टिंग इन साइड, वहाँ तो कुछ मिला नहीं यार, कहाँ ढूँढें। एक सेकंड, ये वाला, हाँ ठीक है, यहाँ तो सामने जाते हैं, यहीं से आया था मैं। छोड़ दे रोड। अबे भाई रोड ने पकड़ लिया था, अब हट, निकलने तो दे भाई, रास्ते में अड़ गया ये तो यार। अबे लो, अब एक मिनी रोड फट गया, करंट लग गया उसे भी, मुझे भी और उसे भी, दोनों करंट लग गया भाई। चलो ये तो अच्छा ही हुआ, मेरा रास्ते मर रहा था। एक बार देखूं जरा, मेरी गन तो रह गई भाई, करंट लगता है तो गन भी वहीं गिर जाती है यार। डिश वॉशिंग बोर वो लिक्विड मुझे लग रहा है जब स्टार्टिंग में हमने देखा था, वहाँ दूध, जहाँ दूध रखा था वहीं पे था यार वो, जहाँ मिल्क के पैकेट्स थे स्टार्टिंग। और हट हट, अरे यार कितनी बार चिपकाओगे बे, गन और गिर जाती है यार बार बार। तो सबसे स्टार्टिंग में था वो, यहीं कहीं था या हाँ इसके बाहर था वो, यहाँ था भाई कहीं पे। ये है, ये क्या है, डोर है ये तो कोई, पर यार इधर ही तो था वो, दूध के पैकेट कहाँ गए। अबे चुप हो जा, ये ले इस्तेमाल करवा के ही माना मुझसे भाई। मैं सोच रहा था फालतू में खर्च ना करूँ इससे, खोल यार लोग तो खुला नहीं, इससे भी जमा के देख लिया। अच्छा यहाँ था वो, हाँ सॉरी ये रहा, मिल गया भाई मिल गया। तो भाई हमारी उस गन में तो वैसे भी कुछ नहीं बचाता, एमो नहीं थी, तो वो मैंने फेंक दी और ये उठा लिया। वैसे भी इसे उठाता तो वो गिरनी थी। चलते यहाँ से था, हाँ ऊपर जाके था। चलो भाई दोनों इंग्रेडिएंट मिल गए, अब शायद वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। अरे यार सामने आ गया ये छोटू से, कितने सारे हैं यार, ये कितने बच्चे पैदा करके छोड़ रखे हैं इसे, नहीं रोबोट वाले। ये तो छुपने की जगह थी, अरे अरे तुरंत ही काम आ जाएगी क्या। ये लो भाई छुप के देखते हैं लोकर में, आ गया। भाई गेट तो खुला पड़ा है, एक तो क्या करें यार, ये अपना चार्ली इतना मोटा है ना, गेट ही नहीं बंद हो पा रहा होगा। ये तो आई नहीं पाया यार, सही है, दिखाई नहीं सब, आखिर रहता रोबोट ही। आजा बेटे, ओ नहीं 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 नहीं, अरे सही है वो फट गया। हो भाई ये सही है, इसके ये मिनी रोड इसे बार बार इसे ही सुला देते हैं, तीसरी बार सुलाया आपकी बार। आजा बेटे छोटू, तुम तो बड़े काम की चीज़ हो यार। भाई इसे घुमा देता हूँ, मैं दूसरी तरफ से चलता हूँ। तो भाई घूम के इधर से भी आ सकते हैं और उधर से भी आ सकते हैं, मुझे समझ में आ गई इतनी बात। तो अब यहाँ से ये आ गया, हाँ चलो ऊपर चलते हैं, वो सोया हुआ है, इतने हमारा काम आसान रहेगा।
अबे ये कैसे, यानी कि मरते नहीं है यार, करंट लगा के सोते हैं बस, वहीं था वो भी। चलो भाई फटाफट से, पहले इसको देना था ना ये बात। तो भाई घोल तो दिए, थैंक्स बोल दिया इसने तो, अब तो सुन ले भाई की। अच्छा इसको केबल की रील चाहिए और ब्लो टॉर्च चाहिए कनेक्ट, कंप्यूटर कनेक्ट करने के लिए। ठीक है ठीक है, केबल तो भाई पहले ही मिल गई थी, पकड़ा देता हूँ। ठीक है अब क्या चाहिए, अब इसको चाहिए इलेक्ट्रो प्लाज्मेटिक गन। अब ये कहाँ से लाऊँ यार इलेक्ट्रो प्लाज्मेटिक गन, ये ढूंढूँ कुछ मिल जाए तो। यहाँ तो नहीं यार, बाहर ही जाना पड़ेगा। भाई क्या है, इनकी बकैती चल रही है, कह रही है बायोलॉजी क्लास में बच्ची। इनकी अलग स्टोरी चल रही है भाई, यहाँ जिंदगी मौत का सवाल है और ये मस्ती कर रहे हैं दोनों। अबे यार सामने रोबोट, घूम के जाना पड़ेगा थोड़ा सा, इधर से चलता हूँ। भाई यार ये क्या ढूंढते रहते हैं बताओ, नीचे झुक झुक के। भाई इसमें तो ग्रैनी वाला चक्कर भी नहीं है, इधर नीचे से झुक के आ जाता है भाई, झुक के देख रहा था। बताओ कहाँ रखा है यार ये प्लाज्मेटिक गन। आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही है, छुप जाता हूँ। आई थिंक पीछे है मेरे, तो भागने में ही भलाई है यहाँ से। फटाफट चलते हैं यार, हो सकता है वो नीचे जो लॉकर था ना उसी में होगा वो, पर यार वो लॉकर बंद है, उसे कैसे खोलेंगे। हो सकता है वो गन उसी में हो। अरे यार साइड में से भी नहीं निकलने देते भाई, ये तुरंत ही फट जाते हैं वो। इसमें देखूँ लॉकर में, लॉकर में भी नहीं है यार, बंद हो गया। मैं तो ये अलग तरह का है थोड़ा सा, तीन चार तरह के बना रखे हैं यार मिनी रोड। ओ भाई आ गया, बड़ा रोड भी आ गया ओरिजिनल। अभी तो सामने दिख रहा हूँ ऐसे तो मैं यार, पकड़ेगा क्या। ओ नहीं दिखा, सही है सही है, जा भाई जा भाई। गेट तो आधे से आधा खुला हुआ था पर इसको मैं नज़र नहीं आया, तो हमें क्या दिक्कत है भाई, अच्छी बात है। ये तो अलग अलग कपड़े पहना रखे हैं इसने, ऐसा लग रहा कोई सफाई वाई। ये अलग अलग रोबोट्स हैं मुझे लग रहा है, अलग अलग काम के लिए। अरे ये रही इलेक्ट्रो प्लाज्मा गन, भागो भागो भाई, यही तो चाहिए थी। ओ बल्ले बल्ले, मेरे केक में फंस के उड़ गया ये तो। इससे खोल के देखता हूँ यार वो लॉकर, वो तो 60 सेकंड के लिए बेहोश आई अभी, क्या पता इससे खुल जाए। कहाँ गया यार वो, इस तरफ ही तो था वो, ये तो कन्फ्यूजन हो जाती है। ये रहा। ये ले भाई, फायर कर दिया, खुल भाई खुल, अब खुल हुआ तो है ग्रीन यार, खुल क्यों नहीं रहा। लेकिन ये आ गया ऑप्शन कुकिंग। अरे यार ब्लो टॉर्च अच्छा चाहिए ना उसको, ब्लो टॉर्च चाहिए। ओके अल्टीमेटली हमें यही चाहिए थी, ब्लो टॉर्च बोल रहा था वो, वायर और ब्लो टॉर्च। और ये तो सामने खड़ा है, कोई नहीं दूसरे रास्ते चलते हैं इस वाले से। तो भाई ये तो अच्छा ही है कि रोड नीचे ही है, बस इसका कोई रोबोट ना चिपक जाए मेरे। अभी फटाफट से चल के इसको दे देता हूँ, जल्दी जल्दी ये बात। यस ले बे माइकी, वायर चाहिए थी तुझे और तेरी टॉर्च भी दे दिए। अब कर हैक, हो गया क्या स्टार्ट हैकिंग। भाई कैसे होगी ये भाई, कोई मिनी गेम खेलना पड़ेगा शायद। अच्छा इन लाइनों को लगाना है एक के ऊपर एक। अच्छा साइड में यार एक बटन आ रहा है, एंटर वाला बटन आ रहा है। ठीक है ठीक है, तो इसको प्रेस करना पड़ेगा। अब ये तो नीचे गिर गया एक, लग ये लो भाई तुम्हारे भाई ने कर दिया फाइनली, एक बार में पहली बार में कुछ हुआ तो है यार। हो गया भाई हो गया, ओ भाई साहब हो गया, सही है। ओ भाई लग गया काटा, तो लैब पे तो काटा लग गया भाई, अपना सेकंड जनरेटर ढूंढने। तो ये आ गए हैं भाई हम अपने दूसरी, तो सेम टू सेम ही लग रहा है यार बिल्कुल। अबे सेम टू सेम लग रहा है या सेम, ये तो वही जगह पर आ गए यार हम। ये क्या हुआ, गलत दबा दिया लग रहा है शायद कुछ। जोसेफ कॉटेज, आपकी बार बिल्कुल ध्यान से देख के दबाया मैंने, लिख के भी आ रहा है। अबे तो वहीं आ गए फिर से यार, लग रहा है पूरा घूम के जाना पड़ेगा भाई। बताओ यार इसी रास्ते से जाना पड़ेगा शायद, जो सबसे पहले हमें रास्ता दिखा था ना वहीं जाना है। तो भाई लो पहुंच गया हूँ मैं यहाँ पर। अब भी कह रहा है यार योर ऑब्जेक्टिव इज नॉट दिस वे, तो फिर कहाँ जाएं हम। उतरी उतरी ना ला गई, साइड में से निकल जाता हूँ, उतरी उल्टा ही भागना पड़ा भाई। वो छुप जाता हूँ, ये अब काम आएगी कैबिनेट। हाँ ये गेट हमेशा इतना ही खुला रहता है भाई, ये तेज है, वो नहीं देख पाते थे पर इसने तो देख लिया। छुट तेरी तो भाई, चकौवे की तरह चिल्लाई है बिल्कुल, इतना मुंह पास ले आई थी अपना, मैं तो अलग ही मजे दिला रही है भाई। भागो यहाँ से, ये जोसेफ की कॉटेज यार लिखी हुई देखी थी हमने, हाँ यहाँ पे ये रही, तो यही है भाई इसकी कुटिया, चारों तरफ से ढकी हुई है। तो ये क्या है पीछे, ये टॉयलेट बना रखा, WC क्या है, वर्ल्ड कप। यहाँ तो कुछ नहीं है यार। तो भाई इसी एरिया में कहीं पर जनरेटर होना चाहिए, ये आग लगी हुई है भाई। यहाँ तो पार्टी वार्टी चल रही है, बोनफायर कर रखी है, फोन करता है यहाँ पर बोनफायर। और ये क्या, उतरी। ओ भाई भाई भाई, मगरमच्छ पाल रखे हैं इन्होंने तो। ये क्या कुटिया सी, इसके अंदर ही तो नहीं है कहीं, इसमें चलते हैं भाई, झोपड़ी सी।
रेड कलर की अलग ही चमक रही है, कुछ आया तो है कट सीन यार है। मिल गया भाई, यही है जनरेटर, सेकंड जनरेटर मिल गया अपना। तो अपने दोस्तों को बुला लेते हैं फटाफट। तो भाई हमें की लेनी है जिसको क्रोकोडाइल जो है गार्ड कर रहा है, तो हमें सबसे पहले उस की का जुगाड़ करना है। ठीक है, लिस्ट से बात करने का ऑप्शन आ रहा है। ये क्या क्रोकोडाइल एग? अच्छा ये उस क्रोकोडाइल का अंडा है भाई, और इसे वहाँ पे उस क्रोकोडाइल को देना पड़ेगा हमें। ठीक है यार, ये मेरे ख्याल से अभी जहाँ पर वो था वो क्रोकोडाइल या थी, सॉरी मॉम है वो, जहाँ पर वो क्रोकोडाइल थी वहाँ पर कुछ था, कुछ घास का घोंसला सा बना रखा था उसने। ये तो यार कन्फ्यूजन हो जाती है फर्स्ट टाइम जब गेम खेलते हैं ना, तो ये वाला एरिया में फर्स्ट टाइम आया हूँ अभी, या फिर ये आया हूँ मैं पता नहीं, यही था ना। ये क्या है, इसको हटा के देखते हैं। अच्छा ये तो वही गराज आ गया, ठीक है यहीं से तो आया था मैं स्टार्टिंग में। ठीक है तो यार फटाफट से चल के इस अंडे को दे देते हैं इसकी मम्मी को, इसकी मम्मी बेचारी अंडे को लेके बहुत परेशान है। वैसे कहीं स्टोव में, वैसे तो यार आग भी रखी है, स्टोव की ज़रूरत नहीं है, कहो तो उबला अंडा बना दूँ, नहीं यार दे ही देते हैं बेचारी को। तो भाई पहला अंडा तो रख दिया है हमने, अब दो अंडे और चाहिए, तीन अंडे चाहिए टोटल। ये क्या है, ये भाई अलग ही सिक्योरिटी रूम बना रखा है, की होल है भाई यहाँ पर, तो शायद वो की यहीं लगेगी। अब बस हमें वो की ढूंढनी है, की तो खैर नहीं ढूंढनी है, की तो टंगी हुई है, बस हमें अंडे ढूंढने हैं। तो पहला अंडा तो मिल गया भाई, दूसरा ढूंढते हैं अब सारी जगह, देखते हैं यार चल के कहीं ना कहीं तो होगा। ये इसकी मूर्ति सी जो है इसी के साइड में तो नहीं है, ये गराज है वैसे तो, एक गेट भी है वैसे तो यार, पर खुलता नहीं है ये। बताओ यार कितनी पैनी है ये, ये कैसी सॉफ्टी है भाई, नीचे से इतनी पैनी है ये तो। ये क्या है, मिल गया बलिंग, वो सेकंड अंडा मिल गया भाई, कहाँ रखा कटे हुए पेड़ पे। चलो भाई फटाफट चलते हैं इसको लेके। ऑल राइट यार, तो इसको भी अब लगा देते हैं भाई, दो अंडे दे दिए क्रोकोडाइल मम्मी को, अब तीसरा अंडा भी ढूंढ लेते हैं। यार कौन छुपाता है इसके अंडे यार, पूरा हाइड एंड, अरे इसमें तो नहीं है कहीं, ये खुलता खुल ही नहीं रहा है, तो ऑप्शन ही नहीं आ रहा। ये पोस्ट ऑफिस के डिब्बे में भी नहीं है, इसमें देख लो टॉयलेट में है तो कुछ, ओ यही है भाई। ओ भाई फाइनली मिल गया यार, तीसरा अंडा भी मिल गया, वेरी गुड। तो भाई इसको लगा देते हैं फटाफट से। तो ये मैंने लगा दिया भाई, द क्रोकोडाइल अप्रोचेज रन अवे एंड इट विल बाइट यू, और इट विल बाइट यू। अच्छा तो भाई वो क्रोकोडाइल अब इधर आ जाएगी और हमें दूसरी तरफ जाके वो की लेनी है। तो भाई ये टंगरी चमक रही है भाई दूर से ही, ले लेता हूँ वो। देखो भाई इसमें इतना टाइम लगता है, अगर अंडे नहीं रखे होते तब तक क्रोकोडाइल मम्मा हमें चबा देती है, अब तक हमें मिल लास्ट में भी तो और एक्स्ट्रा टाइम लेते हैं। तो भाई फाइनली की तो मिल गई है यार, अब बस फटाफट चल के इसको लगा देता हूँ। कहाँ पे था वो कमरा सा, नहीं ये रहा सामने ही है, सामने है। तो भाई यहाँ पर था वो की होल, ये लो फिट कर देते हैं भाई, एक बार में नहीं लगता, पूरा टाइम लगता है हर चीज़ में। ये लग गया भाई की होल, ग्रीन लाइट हो गई है, कुछ तो हुआ है भाई, क्या हुआ ये समझ में नहीं आया, पर कुछ गेट से खुले हैं। अच्छा ये वाला गेट खुल गया भाई, ओके इट इज़ जनरेट एंड फॉरेस्ट विदाउट स्टडी। तो भाई हमें कोई स्टडी व्हीकल चाहिए जिससे हम फॉरेस्ट में जा सकें। तो भाई अपने दोस्तों के पास चलते हैं, यहीं कुछ ना कुछ इलाज मिलेगा। और अब हमें चाहिए एक फ्रोस्टी राइफल, यहाँ पर थी एक राइफल, कहाँ गई बे, बे मोटू कहाँ है वो राइफल, कहाँ है ये छोरी, बे वो कहाँ है, जे किधर है। अबे यार ये ले, मुझे लग रहा है वही फरार हो गया, उस कहाँ घूम रहा है यार वो, जे भाई किधर है तू, ये खड़ा। अबे यहाँ क्या कर रहा तू, कौन सा पोकेमोन ढूंढ रहा है यहाँ, दिस दिस कर रहा है यार। चलो यार फटाफट से, राइफल तो मिल गई है, गैराज का डोर जो है उसका मैकेनिज्म तोड़ना है भाई, तो फटाफट से अब गैराज में जाना पड़ेगा। गैराज का रास्ता तो इस तरफ से भी है, दोनों तरफ से, उधर से चले जाओ चाहे इधर से, इधर से चलते हैं यार। ये रहा भाई, इस छोटे से रास्ते में से घुस के जाएंगे और उसका मैकेनिज्म यहीं कहीं होना चाहिए, कहाँ गया, अरे ये रहा भाई, ये रहा, ये लो भाई शूट कर दिया मैंने इसे, खुल गया भाई गेट खुल गया। जल्दी से अपने दोस्तों को ले आते हैं भाई और चलते हैं, फिर चलते हैं भाई फॉरेस्ट में। स्टडी व्हीकल अपना जुगाड़ हो गया, गेट भी खुल गया है। उत्तरी ये तो पीछे पीछे भग रही है मेरे यार, पर अब दो गोली बच रही है, ट्राई कर ही लेते हैं। आ जा बेटा तू, आ जा आ जा, ए ले शाबाश। अबे ओ भाई ये देखो, जूम इन में देखो, इसके दांत देखो भाई, इसकी आंख देखो कैसे लेट रही है, आराम से हंसती हुई लेटी है। चलो भाई ज़्यादा देर के लिए नहीं, बेहोश हुई है वो। हाँ भैया, अरे सब जुगाड़ हो गया भाई, चलो जंगल में जाना पड़ेगा। हंगरी, अबे खाने का टाइम नहीं है अभी, भूखे। ये क्या है भाई, इलेक्ट्रोप्लाज्मेटिक गन, रोड गन, भाई सारी गन है, तो रोड गन ले लेते हैं। इसमें तो एक ही गोली है यार, इसमें भी एक ही है, क्या बात है, सब में बराबर गोली है भाई। तो चलो दोस्तों, अच्छा इसने भी देख ली भाई वो नन,
भाई मैं तो गोली टपका के आया हूँ, तुम्हें कैसे बताऊँ अभी। चमका दी भाई, बिल्कुल मत डरो तुम, उस नन को मैंने ठोक दिया है। तुम अब मेरे पीछे पीछे आओ और फटाफट से हम वैन में बैठ के निकलते हैं यहाँ से। उत्तरी ये तो जिंदा हो गई, वो सामने खड़ी थी ये तो। घूम के चलते हैं भाई। अलग ही है यार ये नन भी, इसके दांत एकदम दांत भी लाल हैं और आंख भी लाल है। विमल खाती है पता नहीं क्या खाती है, रजनीगंधा। तो भाई गैराज में आ गए हैं, वैन में बैठना है तो वैन में चढ़ जाते हैं फटाफट से। ये लो भाई, चलो भाई कहाँ से आएगा ऑप्शन। अरे क्या बकवास चल रही है, गाड़ी लेके चलो यार कोई फटाफट। अबे कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा यार। अबे तुम बकैती मत करो आपस में यार, तुम निकलने का रास्ता ढूंढो। हाँ खेल लो तुम भाई, अंताक्षरी खेल रहे हैं तो ये ना मतलब ही नहीं है भागने से। भाई बाहर ही निकलना पड़ेगा, यहाँ से कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा यार। गेट इन द वैन तो हो गया था हमारा, पर एंटर द फॉरेस्ट नहीं हो पाया। एक सेकेंड, ये भी ऑप्शन आ रहा है। हो गया भाई हो गया। ओ अच्छा, आगे बैठना था यार, गाड़ी चलानी पड़ती है। चार्ली जल्दी से पोजीशन में आ जाओ। देखो भाई चार्ली मोटू चढ़ गया छत पे, ये ले पत्थर पे चढ़ चढ़ के चढ़ गया भाई। अब क्या करेगा यार, वैन तो मस्त है ये। और ये ऊपर क्या लगा रखा है इन्होंने, चेयर लगा रखी है भाई बहुत तगड़ी, पूरा जुगाड़ बना रखा कुछ। डिस्ट्रॉय ऑल वीक पॉइंट्स, ठीक है। बट बीवेयर द लंबर जैक, क्या था, चलो छोड़ो भाई। वीक पॉइंट्स मारने हैं हमें, ये गन लग रही है मोटी सी। अच्छा भाई क्रॉस से मार्क कर रखे हैं, ठीक है तो खेल लेते हैं। ये ले तो मार तो दिया सारे, अब क्या करो। हट तू तो हट भाई, छोटे छोटे से कहाँ से आ रहे हैं भाई। पेल दिया इसने तो यार, रिपेयर करके दोबारा जाना पड़ेगा। ये ले तो। यार मैंने तो सारे पेल दिए थे, हुए क्यों नहीं थे, दोबारा पेल देंगे भाई हम तो। हट, फिर आ गया तो फिर आ गया। अबे हट ना, अबे यार ये सामने लड़ रहा है, बताओ उसे कैसे मारूं। ओ तेरे भाई, हट जल्दी हट सामने भाई, रीलोड। ओह चलो सही है, लास्ट बचा है, सौ पेल देते हैं। अबे क्या करूं, पेल तो दिए, कितनी बार मारूं इन क्रॉस को। अबे एक सेकेंड वेट यार, इस पे सिंगल निशान क्यों आ रहा है। ओ यही रीजन था भाई, किसी किसी पे दो गोली से काम चलेगा। आ गया आ गया, हट हट। ओ भाई यार रीलोडिंग हो रही है, जल्दी हो जल्दी। भाई यार शिट, चलो भाई पता लग गया इस पे दो गोली लगेंगी। ये ले भाई दो दो गोली मारूंगा, आ जा तू भी। ये ले बेटा, आ तू आ, पहले पहले तुम्हारा इलाज करूंगा अबकी बार। ये ले बेटा, अरे हट जा सामने से हट जा। सुअर, सुअर बिना है तो रोबोट है, दौड़ के उला दें तो। अरे मत आओ, कहाँ से इतनी कर रखी है यार, हट जा सामने से हट जा। चलो भाई फटाफट से, एक बच रहा है ना इसके ऊपर भी है लेकिन एक अभी। आ जाओ यार, दो गोली मारनी है बस, एक और। ओ हो गया हो गया, ये तो सिंगल ही हो गया। अबे क्या चक्कर है, बार बार आया जा रहा है, कितनी बार मारना पड़ेगा, कहां कहां पे वीक पॉइंट्स है इसके। तो यस भाई फाइनली पूरी बिल्डिंग को वीक करके गिरा दिया हमने। क्या बात है, माइक भी अच्छी गाड़ी चला रहा है भाई। ये बात भाई, अपना सेकंड जनरेटर भी जो है खल्लास हो चुका है और अब बचा है सिर्फ एक जनरेटर। तो भाई सिर्फ म्यूजियम बचा है, फाइनल भाई फाइनल। बस म्यूजियम का जनरेटर बंद करेंगे और काम बन जाएगा। बल्ले बल्ले और फिर एस्केप। तो इस बार किसकी तरफ से खेल रहे हैं भाई, पहले गन ही उठा लेता हूँ। अब यार ये तो अभी भी यहीं का यहीं है। शिट यार वही सीन हो गए तो। अबे सामने नन खड़ी है यार, हट इधर से भागो, चकमा दे के भागना पड़ेगा यार। ये क्या ड्रामा है यार, फिर से पूरा चल के जाना पड़ेगा। मेरे ख्याल से वो जो खिड़की हमने स्टार्टिंग में देखी थी ना, वहीं जाना पड़ेगा अब।
यार बताओ, मैप देख क्यों रखा है यार वो? उस पर क्लिक करते हैं जाते हैं तो जाना फिर भी पैदल ही पड़ता। शॉर्टकट कुछ तो होना चाहिए यार। भाई शायद यहाँ से है अब की बार। हाँ यही है भाई, बताओ। थर्ड टाइम में पहुँचे हैं अभी, म्यूज़ियम जाना था जो। अब हमें सबसे पहले जनरेटर ढूंढना होगा, चलते हैं फिर। ये क्या है? तो भाई ये सारे रोबोट मिलके इस बोरिस को ज़िंदा कर रहे हैं। बोरिस का एक चश्मा भी टूटा हुआ है एक आँख की तरफ से, लगा किसी ने मुक्का फेल रखा है इसमें। ओ भाई ज़िंदा हो गया ये तो। अबे पैर तो लगवा ले, हाथ हाथ से चलेगा क्या? नीचे का धड़का दे रहा उतरी, ये तो गोरिल्ला की तरह भाग रहा है भाई, हाथ हाथ से ही। अच्छा एक ही बार में चमका देगा भाई ये तो हमको, इससे थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा, इसमें ऑप्शन नहीं मिलेगा भाई धक्का मारने का। ताकतवर एनिमी है। आ जा बे बिना टांग वाले। अबे छोटे छोटे चिलगोजे से ना हो ना गेम में तो कितना मज़ा आ जाए यार। ये रोबोट ज़्यादा खून पीते हैं मेरा तो, छोटे वाले। इधर चलते हैं भाई, ये है तो। अरे ये लग रहा है, ये लग रहा है, मिल गया भाई मिल गया, यही होना चाहिए। मिल गया भाई फाइनली, थर्ड जनरेटर और फाइनल जनरेटर भी मिल गया है। तो भाई बाकी दोस्तों को भी बुला लिया मैंने। तो ये एक आर्मर्ड ग्लास से प्रोटेक्टेड है यार, हमें ये आर्मर्ड ग्लास तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, इसको एक चार्ज मोटराइज टूल चाहिए। तुझे भी कुछ चाहिए क्या? आइटम ऑफ नो यूज़। फिर क्या चाहिए तुझे? चार्ली चार्ली की तो हवा ख़राब है भाई ये तो कह रहा है कोई डिसगाइज ला दो जो पहचान में ना हूँ मैं। इसको कोई गन चाहिए, ले वाली ले ले। तो कौन सी गन चाहिए फिर तुझे? तेरे भी नखरे हैं, इससे काम चला ले भाई। चलो कोई नहीं यार, हम इसे लेके चलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कौन सी गन है यार, यही काम करेगी उस पर। इतना बड़ा रोबोट है वो, रोबोट पे तो बिजली वाली गन ही काम करनी चाहिए। आ जा मोटू यार, इसे ऑप्शन आ रहा चाइल्ड साइन, तो भाई इसी को ले लेते हैं क्योंकि हमें इसको गुस्सा दिलाना है यार। क्योंकि आर्मर्ड ग्लास से प्रोटेक्टेड है तो हमें इसे तोड़वाने के लिए गुस्सा दिलाना पड़ेगा, इसलिए बच्चे की ये हमने साइन लगा दिया है ताकि रोबोट इस बच्चे को असली समझ के इस पर हमला कर दे और फाइनली अल्टीमेटली इस जनरेटर को ही तोड़ दे। तो ये अभी हमारी प्लानिंग है और देखते हैं इसको कैसे सक्सेस होती है। अभी हमें चाहिए एक मोटराइज्ड हाइड्रोलिक जैक। पहले तो मैंने गन ही उठा ली यार सेफ्टी के लिए। अब थोड़ा सा बाकी का एक्सप्लोर करते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिलेगा ज़रूर। यहाँ देखते हैं, कुछ नहीं है इसमें तो। ये क्या है? जंक पाइल। इसमें भी है क्या कुछ? नथिंग। आ जा आ जा, तू मत बैठी आराम से, हाथों पे चलता रहिए। ऊपर जाने का है तो भाई सिस्टम, यहाँ से देखते हैं। ये क्या है भाई? लीवर एक, चार्जिंग बेस। अच्छा उसको कुछ चार्ज्ड आइटम चाहिए था और यहाँ चार्जिंग बेस है। ठीक है ठीक है। और भाई तो रास्ता बंद हो गया, आ तो नहीं रहा उधर से। चलो खैर वैसे तो गन है मेरे पास, आ भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इधर से नहीं जा सकते क्या? भाई यार तू आ, आ जा, शर्म तो नहीं आ जाएगी? ले ले उतरी उतरी। अब भाई यार शिट, गोली भी ख़राब हो गई, फट भी गया। चलो कोई नहीं, बस वो ना आ जाए बड़ा वाला झुंगुर। है कहाँ वैसे वो लोलू? भटक रहा हो गई उंगली अपने हाथों पर। जंक पाइल यहाँ पे भी, इसमें चेक करते। वो मिल गया भाई, क्या मिला? मल्टी रोड कॉस्ट्यूम मिली है भाई शायद उसकी। अभी तो सारे शांत से पड़ गए। अच्छा भाई हमें मिनी रोड की कॉस्ट्यूम मिल गई है, अभी मुझे मिनी रोड समझ रहे हैं। वाह अभी वाह, ये तो मज़ा आ गया भाई। अब ये कुछ नहीं कहेंगे, अब हम आराम से ढूंढ सकते हैं भाई। आप सही है, मैं सारी जगह एक्सप्लोर करता हूँ भाई। इसमें कुछ है? ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा भाई इसमें चेक करने का? भाई मास्क के साथ हम ऑप्शन, ऐसा तो नहीं ऑप्शन ही गायब हो जाए? नहीं ये तो खुल रहा है, कैबिनेट तो खुल रही है। इसका मतलब ये जो कूड़े का ढेर है इसमें हम ढूंढ ही नहीं सकते कुछ, इसमें से जो मिलना था वो मिल गया। चलो भाई इसका मतलब अब चलते हैं, नीचे चलते हैं। हाँ देखो नहीं आ रहा ऑप्शन, मोटू पीछे ही नहीं कर रहा यार अब, चाहे कुछ भी कहो इसको। अबे मोटू बे, भोंदू बे, गोलू बे, लोलू बे, अबे आओ बे, ये तो आ ही नहीं रहा भाई बिना टैंक, बिना टैंक कर रहा यार, बिना पैर वाला। ये किससे हैंड शेक कर रहा है? अबे पागल हो गया क्या? अबे हंसे हंसे जा रहा है तो इसका दिमाग चल गया भाई, पता नहीं किससे बात कर रहा है। हवाई हवा में देखना हैंड शेक करे जा रहा हूँ, पता नहीं कौन सी गर्लफ्रेंड दिख रही है इसे सपने में। इसकी खोपड़ी ख़राब हो गई भाई, चिप बदलो इसकी, इसकी हैंग कर गया भाई, प्रोसेसर अपग्रेड करो इसमें, i9 डलवाओ। कहाँ मिलेगा यार उसका हाइड्रोलिक जैक? फेमस आइसक्रीम मेकर, अच्छा ये है भाई ओरिजिनल, ओरिजिनल मास्क। ये क्या है रेप्लिका ऑफ जोसेफ सोलो?
ये तो कुछ रखा आइटम रखा, अरे वही हाइड्रोलिक जैक, वो भाई मिल गया मिल गया हाइड्रोल। और उत्तरी इसे उठाऊंगा तो यार ये गिर जाएगा, ये तो मामला गड़बड़ है भाई। इसके सामने पहन लिया तो क्या पता पहचान ही ले। देख रहे हो कितनी चुल्ले इसमें, पूरा मालिक के लिए ऐसा हो रहा है बिल्कुल। तो भाई सिस्टम ये है कि उसे उठाएंगे तो ये अपने जो मास्क है ये गिर जाएगा, तो थोड़ा सेफ्टी के साथ उठाना पड़ेगा। इसे उठा के एक बार फेंक आता हूँ आगे और फिर वापस मास्क ले लूँगा, जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक तो फेंक ही देता हूँ। आगे आगे बस जल्दी से चल के मास्क ले लेते हैं भाई। अब ये लो भाई ये कॉस्ट्यूम पहन लिया हमने अपनी, काफ़ी ज़्यादा पास पहुँचा दिया था वैसे मैंने उसे। ये देखो यहीं रखा है, बस अब तो उठा कर अंदर ही चलना है इसे। तो यार डिस्गाइज चाहिए था लेकिन हमारे इसको चार्ली को भी तो चाहिए था, मोटू को, इसको दे देता हूँ। ले चार्ली, बस सही लग रहा है तो बत्तख सा। तेरा वेपन कहाँ से लाऊं यार, वेपन तो कोई दिखाई नहीं अभी। अब ये क्या चाहिए इसको, और ये मेरे पीछे पीछे आ गया। अब ठीक है, अब नहीं डर रहा भाई, चार्ली मेरे साथ साथ है। ले भाई अपनी मोटराइज्ड, ठीक है। तो भाई इसे चार्ज करके चाहिए, ये ऐसे नहीं चलेगा काम। तो चार्ज करने का सिस्टम हमने ऊपर देखा था भाई, वहीं चलता हूँ। ये कौन है, अबे ये तो अपना ही चार्ली है यार, बताओ मास्क पहन के यही डरा रहा है। चल भाई चार्ली जल्दी आ पीछे, ऊपर चलना, ऊपर दो लीवर थे ना, अब मैं समझ गया यही काम है इसका भी। मास्क पहन के हमारे पीछे आएगा, हम लीवर खींचेंगे और ये चार्ज होगा। अबे हट बे, अबे चार्ली कुछ तो मदद कर यार। चार्ली को भी करंट लग गया क्या, हाइड्रोलिक जैक। तो भाई ये लगा देते हैं जल्दी से, ये लग गया। हाँ भाई सही यार ऑप्शन यार, दो आदमी चाहिए ना। अभी तो लाया तो उमो से, कहाँ गया वो भाई, तो दोनों बेहोश पड़े हैं। वो कहाँ, हमारा छोरा कहाँ गया वो। बस चार्ली कहाँ गया भाई तू, इतनी देर में तो रोबोट भी आ गया यार, ये चार्ली कहाँ रह गया। चार्लू, वो मेरे चार्लू कहाँ है तू, भाई यहाँ क्यों खड़ा है मेरे भाई, आजा आजा, तू आ तो रहा था यार पीछे पीछे, फिर उल उल ये आ गया तेरा भैया, आ गया, आ जल्दी तरा पीछे पीछे, तू कहाँ रह गया था मेरे भाई। पता यार मैं वहाँ करंट खा रहा हूँ, तू यहाँ घूम रहा है, जल्दी आ पीछे पीछे फटाफट, आ रहा है ना। अबे रुक क्यों जाता है वहाँ, तेरे पापा पागल है क्या भाई, कहाँ इसकी बुद्धि भी घुटनों में है क्या, पिज्जा खा खा के जाम हो गई भाई इसकी तो बुद्धि जाम हो गई। बताओ यार ये बिना पैर वाला रोबोट तो आ रहा, वो नहीं आ रहा, भाई कैसा दोस्त है, मुझे मरवाएगा क्या बे। ओ भाई क्या भूल जाता है तू, क्या हुआ, बेल्ट नहीं है क्या तेरे कच्चे में, उतरने का खतरा आएगा, भागता क्यों नहीं है तू। बस सॉलिड, पर तेरी टांग काट दूंगा मैं, सुन ध्यान से सुन मेरी बात, अगर अब की बार नहीं आया ना, मैं बता रहा हूँ मैं तो शूट कर दूंगा मैं, समझ गया ना मेरी बात। मैं धीरे धीरे चलूँगा, आता रही, हाँ चल तेरे पे तो नज़र रखनी पड़ेगी, आता रहे बेटा आता रहे। आ रहा है ना, अबे कहाँ जा रहा है, बस चार्ली का तेरी। ओ भाई इसे क्या होगा, क्या प्यार में पड़ गया है, क्या करता मैं छेद में क्या देखता रहता है उसमें। ओ भाई तुझे मेरे पीछा ना, ओए ओए बस सुअर कर क्या रहा है तू, मरवा के छोड़ेगा इससे। अबे भाई क्या हो गया यार, उसने दिमाग ख़राब कर दिया यार। अबे तेरा क्या चक्कर है वो, तू किसके साथ है तू, तू मिला हुआ है क्या इनसे। भाई यार खोपड़ी ख़राब कर रखी है इसने यार। ओ भाई देख यार प्लीज़ यार अब की बार मत करियो, देख आ जा, देख दिमाग की दही मत कर बिल्कुल भी अब। हाँ आ रहा है ना, शाबाश आता रहे, देख आता रहे, कुछ नहीं कहूँगा तुझे, तेरी सेटिंग भी कराऊंगा भाई, तू आ तो जा, सब कराऊंगा तेरे, जो आइसक्रीम कहेगा वो खिलाऊंगा तुझे, पर पहले यहाँ से तो निकल। एक ये भी घूम रहा है रोबोट छोटा वाला, इसने देख लिया तो राफत। अब मैं खींच रहा हूँ, अब तो अब जुबान आ गई तेरे मुँह में। वाह हो गया भाई, हो गया चार्ज हो गया। हाँ अब तू जा आराम से, तेरे को तो वैसे भी कोई नहीं मारेगा, तूने कॉस्ट्यूम पहन रखी है, रिस्क तो मेरी जान का है ना। चलो भाई बच के निकलता हूँ फटाफट से। उतरी उतरी, अबे यार नहीं नहीं भाई, बिल्कुल लास्ट टाइम में नहीं, गंदी बात नहीं।
भागो भागो। कहाँ है वो भाई? पहले यहाँ घुसूँ भाई, यही सेफ्टी वाला एरिया है, इतने वो घूम के आता है, इतने अपना यहाँ बच जाता हूँ मैं, क्योंकि रोबोट है मोटा, इधर से आ नहीं पाता, इस वाले गेट से घूम के आता है वो। वारा बिना टांग का रोबोट, तो फटाफट से उठा के ले आता हूँ इतने भाई। ये इन पतले पतले गेटों ने बचा रखी है मेरी जान। और ये तो सामने ही है, लो फिर जिंदा हो गया छोटा वाला। तो आ जाओ दोनों, आ जाओ एक साथ, शाबाश, आते रहो आते रहो आते रहो, बस बहुत बढ़िया शानदार। और यहाँ कुछ रखा था साइड में, कुछ रखा था भाई, चलो अभी देखेंगे। पहले मैं इसे दे दूँ। ले भाई, अब तो तेरा चार्ज भी कर दिया, अब तो ले ले माई की, तेरे भी पूरे नखरे हैं यार। मैं मुझसे पूछ रहे हो, मैंने किचन रोबोट देखा नहीं देखा, मैंने क्या क्या नहीं देख लिया इस गेम में। तेरी गन चाहिए ना मुझे, कुछ दिखा तो है। कॉस्ट्यूम पहन के चलते हैं भाई, बिना रिस्क के आराम से घूमेंगे फिर। और शायद अगर मेरी नज़र सही थी तो वो आइटम कुछ रखा था वहाँ पर पहले उसे देख लूँ वो कहाँ है, बड़ा वाला रोबोट। भाई बोरिस, कौन सी बोरी में लेट गया जाके? अब इनकी बैटरी चार्ज, इनकी बैटरी ख़त्म पड़ी है भाई, चलते चलते अपने आप गर्दन झुक जाती है इनकी। यहाँ पे था यार कुछ, वो पहले इसे ही जान दूँ। हाँ जा जा, शाबाश, जाता रहे जाता रहे। हाँ आगे चला जा, आगे चला जा, वहाँ बैटरी बटरी है। ये क्या, माइक्रोवेव गन भाई, शायद यही वाली गन चाहिए। अब जे अगर तूने अब ये नहीं ली ना तो देख लियो, तीन तीन गन तो रिजेक्ट कर चुका। ये वाली तो ले ले भाई। हाँ ले ली ले ली भाई। Thanks. प्लान लगभग कंप्लीट हो गया है, अब बस उस बोरिस को शटर पे लाना है। अब गेट जो ये हमारा मेन शटर है, यहाँ पर लेके आना उसे भाई, उसे गेट पे लाना है, थोड़ा सा रिस्की काम है ये। ये देखो क्रॉस पे लाना भाई इसे। कोई नहीं भाई लाएंगे, कहाँ पे आ जा, बिना टांग के रोबोट आ जा, आ जा आ जा आ जा। ए मैं तो निकला, हो गया भाई, हुआ कुछ तो हुआ, ओ हुआ हुआ नाउ। ए खुल गया शटर। ओ भाई सही है, ये रोबोट अब इस पुतले पे हमला करेगा और हमारा काम बनेगा। बस सूरत आजा आजा आजा, मार टक्कर मार। ओहो ओ भाई साहब, कर दिया, तीसरा भी फोड़ दिया भाई, तीसरा जनरेटर भी फोड़ दिया। तो फाइनली निकलने के लिए बिल्कुल तैयार, मामला एकदम सेट। ओ खुल गए, ओ खुल गए सारे गेट खुल गए भाई, तीनों जनरेटर टूटते ही सारे गेट खुलने लगे भाई। फाइनली तीनों जनरेटर हमने तोड़ दिए हैं। अब कोई सी गन ले लेते हैं बढ़िया सी, इलेक्ट्रो प्लाज्मा गन ले लूँ या ये वाली ले लूँ, राइफल बढ़िया भाई, देसी मान सबसे बढ़िया है, बाकी सब चक्कर बेकार हैं, वो चलती है नहीं कई बार। ये देखो भाई साहब काटा लग गया, वैन स्केप आ रहा है, बस चलते हैं वैन स्केप करते हैं। ओ भाई साहब ये फाइनल कट सीन है क्या? ओ भाई साहब वैन में बैठ के निकल लिए निकल लिए। ओ तेरी ओ तेरी, ओ भाई साहब, अब कौन चला रहा है इतनी खतरनाक। यस भाई यस, फाइनली कर दिया भाई, कर दिया, निकल गए। अभी भी कुछ है ये बात, ये तो बेहोश पड़ा जब से ही। अबे शक्ल तो दिखा दे, शक्ल नहीं दिखाएगा क्या? ओए होए मटक के चलता है, बिल्कुल हिरनी वाली चाल है इसकी, देखो वैसे तो। ये देखो भाई ऐसे निकले हैं। तो भाई हम खुद भी बच गए, हमने दूसरे बच्चों को भी बचा लिया, वेरी गुड। तो फेलो गेमर्स कैसा लगा आपको ये एस्केप? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे मस्त मस्त वीडियोस आते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय। भाई इसका मतलब ये है कि इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा पक्का।